हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करंट एग्जाम क्रैकर। तो आज का हमारा टॉपिक होने चला है इंडियस रैंक इन द वेरियस इंडेक्स 2023। जितने ग्लोबल इंडेक्स के बारे में आज का जानेंगे, जितने सारे इंडेक्स हो सकता है, ठीक है। इंडिया का जो जो टॉप टॉप इंडेक्स है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब भी इंडेक्स को देखने वाले। यहाँ पे इंडिया का रैंक भी देखेंगे, टॉप कंट्री कौन सा है वो भी देखेंगे, एंड कौन रिलीज करता है इसको इंडेक्स को वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मतलब जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जैसे जगह से पूछा जा सकता है, वो ही हम लोग देखने वाले आज के सेशन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते जो इंडेक्स के सब भी इंडेक्स को आज के सेशन में पूरा देखेंगे। अगर सेशन को देख रहे हो तो पहले एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का दिन का हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार का रैंक क्या हो जाएगा, 126 रैंक है इस बार का इंडिया का, ओके। अगर पूछेगा 2022 का रैंक क्या था, तो 2022 का रैंक था 136। अगर पूछेगा 21 का रैंक क्या था, तो 21 का रैंक था 139, ओके। एंड 2020 का रैंक क्या था, 2020 का रैंक था 144। तो सभी को दे दिया, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इसको रिलीज कौन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको रिलीज करता है। टॉप रैंक मतलब फर्स्ट रैंक कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा फिनलैंड, जो टॉप रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो कौन सा रैंक होगा इंडिया का इस बार का, तो इस बार इंडिया का रैंक हो जाएगा 40th रैंक, ठीक है, जो 2023 में है। एंड ऑल्सो 2022 में भी सेम ही रैंक था इंडिया का, ओके। नाउ इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, एंड फर्स्ट रैंक हो जाएगा स्विट्जरलैंड, जो 13 कंसेक्यूटिव टाइम सेम स्पॉट पे बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक इस बार क्या है, 161st रैंक आया है 2023 में। अगर 2022 का पूछेगा तो 150th रैंक था 2022 में, ओके। नाउ इसको रिलीज कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एंड फर्स्ट रैंक मतलब टॉप रैंक कंट्री कौन सा है, तीनों कंट्री है यहाँ पे, नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क, ठीक है। ये तीनों कंट्री एक साथ टॉप पोजिशन में रैंक कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर, What is the rank of India in the Global Hunger Index 2023? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चार पांच स्टार मार्क करके रखिए इसको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो इस बार का रैंक हो जाएगा 111th रैंक 2023 में आया है। 22 का पूछेगा तो क्या होगा, 2022 का पूछेगा तो 107th रैंक। अगर पूछेगा 21 का क्या था, 2021 का था 101st रैंक, एंड 2020 का रैंक था 94th, ठीक है। तो सभी रैंक दे दिए। नाउ इसको रिलीज कौन करता है, वेल्थ हंगर हेल्प जो जर्मनी का है, एंड कंसर्न वाइल्ड वाइज जो आयरलैंड का है, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। तो कौन सा रैंक पे इंडिया है अभी, तो ये हो जाएगा 42nd रैंक पे इंडिया अभी है 23 में। अगर पूछेगा 2022 में क्या था, तो 2022 में रैंक था 43rd। इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, एंड फर्स्ट रैंक मतलब टॉप रैंक पे कौन सा है, तो हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट, जो टॉप रैंक पे अभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग 2023। तो कौन सा रैंकिंग इंडिया का है, तो ये हो जाएगा 77th रैंक पे इंडिया अभी है, ठीक है। जो टॉप कौन से कंट्री है यहाँ पे, तो फर्स्ट हो जाएगा वेनेजुएला, सेकेंड हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, थर्ड हो जाएगा जो अफगानिस्तान, जो थर्ड रैंक पे है। नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो इस बार का रैंक हो जाएगा 127th रैंक, ओके। एंड 22 का पूछेगा तो क्या होगा, 2022 का रैंक था 135th। अगर पूछेगा 2021 का रैंक होगा 140th, एंड 2020 का रैंक क्या था, 2020 का रैंक था 112th। नाउ इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, एंड फर्स्ट रैंक मतलब टॉप हो जाएगा यहाँ पे
आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 23 में जो आया है वो होगा 126। अगर 22 का पूछेगा तो 2022 का आया था 135। इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। एंड टॉप रैंक कंट्री यहाँ पे हो जाएगा आइसलैंड, जो टॉप रैंक पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023। तो कौन सा रैंक होगा? तो रैंक हो जाएगा यहाँ पे 4th रैंक पे। इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड टॉप रैंक कंट्री जो है वो होगा यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2। तो Q2 का रैंक क्या होगा? तो Q2 का रैंक होगा जो 80 रैंक, जो Q2 में आया, मतलब क्वार्टर 2 में आया। अगर क्वार्टर 1 में पूछेगा तो क्या होगा? क्वार्टर 1 जो 2023 का रैंक था वो होगा 85th रैंक। ओके, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है हिनली एंड पार्टनर्स। एंड टॉप रैंक कंट्री यहाँ पे हो जाएगा सिंगापुर, जो टॉप रैंक पे है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक क्या होगा 23 में? तो 40th रैंक इंडिया का आया है 23 में। 22 का पूछेगा तो क्या होगा? 2022 का इंडिया का रैंक था 37th। इसको रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। एंड फर्स्ट रैंक मतलब टॉप रैंक पे हो जाएगा कौन सा? डेनमार्क कंट्री, जो टॉप रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा होगा इंडिया का रैंक? तो हो जाएगा 144th रैंक, जो पासपोर्ट इंडेक्स में 23 का रैंक है। अगर पूछेगा 2022 का, तो 2022 का रैंक था 138। ओके, जिसको रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म आर्टोन कैपिटल। एंड टॉप रैंक कंट्री जो हो जाएगा वो UAE हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर बोला गया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 23। तो 23 में जो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था? तो हो जाएगा 141st इंडिया का रैंक था। इसमें से न्यू दिल्ली एंड मुंबई जो जो इसके रैंक पे आया है। एंड अगर पूछेगा 2022 में, तो 22 में 112th रैंक था। इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। एंड टॉप रैंक जो कंट्री हो जाएगा वो ऑस्ट्रिया हो जाएगा, वियना। ओके, नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो क्या रैंक होगा? तो रैंक हो जाएगा 45th रैंक। इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है मर्सर कंसल्टिंग। एंड टॉप रैंक जो कंट्री हो जाएगी यहाँ पे, तो वो हो जाएगा नीदरलैंड्स। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द साउथ एशिया रीजन फॉर द इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स 2023। तो क्या रैंक हो जाएगा? रैंक हो जाएगा 6th रैंक पे। तो साउथ एशिया रीजन फॉर द इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स 2023 पे इंडिया का रैंक हो जाएगा 6th। नाउ इसको रिलीज कौन करता है? इंटरनेट सोसाइटी। एंड टॉप रैंक कंट्री कौन हो जाएगा यहाँ पे? भूटान जो है वो टॉप रैंक कंट्री पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या था? तो इस बार इंडिया का जो रैंक आया है वो हो जाएगा 121st रैंक, जो रैंक 23 में तो है एंड 21 में भी सेम रैंक था। अगर पूछेगा 2022 में रैंक था इंडिया का 131st। इसको रिलीज कौन करता है? रिलीज करते हैं फ्रेसर इंस्टीट्यूट कैनेडा। एंड फर्स्ट रैंक हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। तो इंडिया का रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन से रैंक पे होगा? तो ये हो जाएगा 4th रैंक पे। जिसको रिलीज कौन करता है? रिलीज करता है ग्लोबल फायर पावर। एंड टॉप रैंक कंट्री यहाँ पे हो जाएगा US। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? तो ये 23 में जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या होगा, तो 13th रैंक पे इंडिया का स्थान है। जो टॉप रैंक कंट्री है वो तो सबको पता होगा, वो अफगानिस्तान हो जाएगा, जो 4th कंसेक्यूटिव ईयर सेम स्पॉट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023? तो कौन सा रैंक होगा, तो रैंक हो जाएगा 3rd रैंक, ठीक है। एंड इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड फर्स्ट रैंक जो हो जाएगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th नंबर, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? तो इसमें इंडिया का रैंक क्या होगा, 67th रैंक इंडिया का 23 में आया है, ओके। इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, एंड फर्स्ट रैंक जो हो जाएगा वो स्वीडन, जो टॉप रैंक पे विराज कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो कौन सा रैंक होगा, रैंक हो जाएगा 38th रैंक पे। अगर पूछेगा 2022 का पूछेगा तो हो जाएगा 32 रैंक था। इसको कौन रिलीज करता है, रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, एंड टॉप रैंक कंट्री कौन सा होगा, सिंगापुर, जो टॉप रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? तो कौन सा रैंक हो जाएगा, इंडिया का रैंक हो जाएगा 23 में 108th रैंक। अगर 2022 का पूछेगा, 2022 का रैंक था 100, जो रैंक था 2022 में, 23 में 108 रैंक जो आया है। इसको रिलीज कौन करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग्स 2023? तो कौन सा रैंक होगा इंडिया का, तो 56th रैंक पे है इंडिया। इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट, एंड टॉप रैंक कंट्री हो जाएगा स्वीडन, जो टॉप रैंक पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, विच इंडियन स्टेट हैज रैंक टॉप इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022? ठीक है, तो ये 2020 जो दो 2023 में रिलीज हुआ है, एंड टॉप रैंक पे हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट। अगर पूछेगा नेक्स्ट लास्ट ईयर का कौन सा था, तो लास्ट ईयर में गुजरात था। इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया, विच इंडियन स्टेट इज रैंक टॉप इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023? तो कौन सा स्टेट हो जाएगा टॉप पे, तो कर्नाटका स्टेट, जो टॉप रैंक पे है। सेकेंड स्पॉट पे कौन सा है, तो सेकेंड स्पॉट पे हो जाएगा तमिलनाडु। थर्ड स्पॉट पे कौन सा होगा, थर्ड स्पॉट पे होगा तेलंगाना। एंड फोर्थ स्पॉट पे कौन सा होगा, जो होगा गुजरात, फोर्थ स्पॉट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन स्टेट हैज रैंक टॉप इन द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023? तो कौन से इंडियन स्टेट ने टॉप रैंक पे आया है, तो यहाँ पे आया है केरला ने टॉप रैंक पे। तो इसको रिलीज कौन करता है, रिलीज करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको FSSAI बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे तो इंडेक्स के बारे में बोला, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स है, उसके टॉप रैंक कंट्री है, कौन रिलीज करते हैं, सभी जो बोल दे इस यही टॉपिक के ऊपर ही पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जाम इसके बाहर कोई भी पूछा नहीं जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जितना यहाँ पे दिए, ठीक है, जितना यहाँ पे जरूर इसको देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल इंडेक्स, ठीक है, इंडिया के रैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत पूछा, स्पेशली कहाँ पे पूछा जाता है, SSC के एग्जाम में, ठीक है, CGLO, CHSLO, MTSO, ठीक है, जितने सारे एग्जाम हो UPSC में भी पूछा जाता है इसके